हेलो गाइस, तो आज मैं जिस फोन के बारे में बताना जा रहा हूँ वो है Xiaomi 14। एंड इस फोन के लिए पर्टिकुलरली मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि इस फोन का प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गया है। बीबीटी सेल में आपको ऑलमोस्ट 45 से 50,000 के अंदर मिलेंगे। एंड इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन ये बन जाता है। क्योंकि गाइस, आप अगर आईफोन 15 लेने की, S24 लेने की या फिर गूगल पिक्सल 8 लेने की सोच रहे हो, तो मुझे लगता है रुक जाओ गाइस, एक बार एटलीस्ट इस वीडियो को देख लो। एंड आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो फिर हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए। अब गाइस, मैंने आपको बोला था बीबीटी सेल में जो बेस्ट फोन है उसके ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी S23 अल्ट्रा के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं। आप अगर देखना चाहते हो क्यों उस फोन को लेना चाहिए, क्यों उस फोन को नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको देखना है ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। बाकी इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। एंड गाइज, Xiaomi 14 की वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन है अंडर 50,000। एंड किन किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए तो उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप देख के पूरा वीडियो शॉक्ड होने वाला हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक चीज बस मैं आपको कहना चाहूंगा, इस चैनल पे मैं जेन्युइन एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदने में आपको बेहतर डिसीजन मिल पाए। तो अगर चैनल पे नए हो प्लीज खुद के पैसों से फोन को बाय करता हूं, कोई भी ब्रांड रिव्यू सेंड नहीं करता। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब गाइस, दो चीज मैं कहना चाहूंगा, ये फोन ऑलमोस्ट 70,000 प्लस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च हुआ था। एंड उसके हिसाब से इतना अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर जो फोन मिलता है, जैसे कि S23 मिलेंगे आपको, या फिर आईफोन 14 या फिर 15, या फिर आप वीवो V40 Pro, इन सब फोन के तुलना में इस फोन का जो कैमरा है वो मतलब ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है, मतलब बहुत ऊपर है। कैमरा के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। जैसे गाइस आप देख सकते हो, छोटा सा फोन है, कॉम्पैक्ट सा फोन है। डिस्प्ले का जो साइज है 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड पैनल है 120Hz का, जिसका जो पीक ब्राइटनेस है 3000 nits है। एंड गाइस, ब्रेजल्स वगैरह भी आप देख सकते हो कितना कम है। तो डिस्प्ले तो गाइस कमाल का है। बाकी गाइस, बिल्ड क्वालिटी में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ। इनफैक्ट गाइस, मेटल फ्रेम दिया है, तो फिर एक प्रीमियमनेस जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कम फोन में देखने को मिलता है, वो तो मिलता ही है। बाकी गाइस, अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, 8 Gen 3 दिया है अंडर 50,000, अपने आप ही कमाल का बन जाता है। उसके साथ साथ LPDDR5X रैम, UPS 4.0 का स्टोरेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस के लिए तो क्लियर है ही। बाकी इस फोन का अंतुतु स्कोर चेक करो गाइस, 2 मिलियन के आसपास अंतुतु स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैं सीपीयू थ्रॉटलिंग भी टेस्ट करके देखा है, जैसे कि आप देख सकते हो सीपीयू थ्रॉटल भी ज्यादा कुछ नहीं करता। इनफैक्ट गाइस, इस फोन के अंदर कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी भी प्रोवाइड किया है इस फोन के अंदर। 4610 mAh का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, एंड साथ में 90W का वायर चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया है। इनफैक्ट गाइस, 50W का वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, द बेस्ट पार्ट इज चार्जर बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि इस प्राइस पॉइंट पे इतना सारा फ्लैक्सी फीचर्स आपको कोई भी प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली Xiaomi तरफ से फ्लैक्सी फोन है। इनफैक्ट IP68 का प्रोटेक्शन वगैरह तो देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस, वन ऑफ द बेस्ट फोन मैं बोलूंगा अंडर 50,000। इनफैक्ट गाइस, मैं बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से, छोटा फोन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है। मुझे ऑलमोस्ट कुछ दिन 5.5 घंटा 6 घंटा 7 घंटे के आसपास मुझे स्क्रीन ऑन टाइम भी देखने को मिला है, जैसे गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड मैं एक मॉडरेट यूजर हूं, कुछ कुछ दिन काफी ज्यादा हेवी यूज करता हूं, कुछ कुछ दिन लाइट यूज करता हूं, तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा काफी अच्छा है इस फोन का बैटरी बैकअप। इनफैक्ट गाइस, जो चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग वगैरह इस प्राइस पॉइंट पे हिसाब से देखे तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो बन जाता है। इनफैक्ट वायरलेस चार्जिंग मिलता है, तो बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग को लेकर कोई सा भी शिकायत नहीं है। बाकी गाइस, सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, हाँ इस फोन के अंदर आपको HyperOS वगैरह देखने को मिलता है। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे छोटा मोटा ब्लोटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है, बट बाकी HyperOS में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि फुल रिव्यू नहीं है। क्यों आपको ये फोन लेना चाहिए उसके बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं। ओके, बाकी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, इस फोन के अंदर आपको 4 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कम ऐसे ब्रांड है जो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलता है। तो ये सब तो गई स्पेसिफिकेशन की बात है। अब गाइस, मेन पार्ट कैमरास। अब गाइस, वन ऑफ द बेस्ट अगर आप कैमरा सेटअप चाहते हो अंडर 50,000, तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप प्रोवाइड करता है। एक तो पीछे आपको तीनों ही 50MP का सेंसर देखने को मिलता है, 3.2x टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया है। एंड गाइस, उसके माध्यम से आप देख सकते हो मतलब ह्यूज, इतना अच्छा कैमरा सेटअप गाइस, आप देखो कितना शानदार फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप बन जाता है 45,000 के अंदर। क्या शानदार पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे गाइस आप कुछ पोर्ट्रेट फोटोज देख सकते हो, एकदम DSLR क्वालिटी का,
देख के लग रहा है ट्रस्ट में एकदम हाई एंड फोन से खींचा गया है। जैसे कि आपको पता है वीवो वी 40 प्रो वगैरह है वो उतना अच्छा कैमरा सेटअप प्रोवाइड नहीं करता जितना अच्छा कैमरा ये प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली वीडियोग्राफी में। एंड वीडियोग्राफी में गाइज आप कुछ वीडियो सैंपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जैसे गाइज आप खुद देख सकते हो जो कलर्स वगैरह है, जो स्किन टोन वगैरह है, जो स्टेबिलाइजेशन है, कलर्स वगैरह पर्टिकुलरली थोड़ा सा बूस्टेड साइड में रहता है, बट गाइस आप वीडियो का क्वालिटी देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। लेंस शिफ्टिंग करने पर कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब एंड्रॉयड वॉल में 50,000 के नीचे इतना अच्छा कोई वीडियो क्वालिटी दे सकता है तो फिर आप समझ सकते हो कैमरा क्वालिटी किस लेवल का है। पर्टिकुलरली जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन मिल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कमाल का बन जाता है। एंड गाइस इस फोन का पोर्ट्रेट वीडियो भी देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है, स्टेबिलाइजेशन वगैरह कितना अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ इस फोन के बारे में एक बार सोचने की या फिर एक बार देखने की। तो इतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो मैं अंडर 50,000 कोई भी एंड्रॉइड फोन में तो नहीं देखा, इतना कम प्राइस पॉइंट पे। हाँ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करता है, जो S24 अल्ट्रा है वो डेफिनेटली इससे बेहतर वीडियो शायद से रिकॉर्ड कर लेगा। बट अगर इस प्राइस पॉइंट पे आफ्टर द प्राइस ड्रॉप होने के बाद अंडर 50K मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट वीडियोग्राफी ये फोन बन जाता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फोन का कैमरा देखो, परफॉर्मेंस देखो, बिल्ड क्वालिटी देखो, UI एंड अपडेट्स देखो, तो सब कुछ अगर मिला के देखा जाए तो मुझे लगता है अंडर 50K ये फोन काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हैं। तो इस फोन के बारे में एक बार जरा सोचना गाइस, फोन को BBT सेल में बाय करने से पहले कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। और भी इस टॉपिक पे जो हॉट सेलिंग फोन होने वाला है जो आपको ट्रिगर करेगा आपके माइंड को कि इस फोन के बारे में एक बार सोचना चाहिए, सारे ऊपर वीडियो आने वाला है, उसके ऊपर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे एक्सक्लूसिव डील्स जरूर से और भी कवर होने वाले हैं इस चैनल पे। ओके जो यूनिक फोन है बस गाइस बहुत ही जल्द इस फोन का वीवो X100 एंड iQOO 12 से कैमरा टेस्ट भी आने वाला है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो। तो बस गाइस मेरे वीडियो में मेरा पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।